जैसा कि मैं बाहर आ चुका हूँ और सनग्लासेस लगा चुका हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा है, सोचा सनग्लासेस लगा ही लें अब साथ लेकर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मिस्टर शैम भी आज यम कम हुए हैं, हम लोग आज थोड़ा सा आउटिंग के लिए जा रहे हैं। आज संडे है, हम थोड़ा सा आपको घुमाते हैं बाइट दुबई का। आज वेदर भी अच्छा है, मे बी हम लोग डाउन टाउन जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा फोटो क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे हाउ लुक्स लाइक डाउन टाउन विद मिस्टर शैम। المحطة القادمة هي القيادة. So guys, right now I'm inside of the biggest, world biggest shopping mall, which is Dubai Mall. So time ho chuka hai 1:30, okay, lunch time hai. So thoda sa Dubai Mall discover karte hain. Aur jin logon ne Dubai Mall dekha hua hai, wo dobara se dekh lein. Aur jinhone nahi dekha, wo pehli dafa dekh lein. Aur like kare hamara channel, share kare aur comment kare. का टाइम जैसे कि हो चुका है, तो थोड़ा सा लंच करते हैं, चीज़ ढूंढते हैं लंच के लिए। लंच के बाद आपको थोड़ा सा दुबई मॉल दिखाते हैं, फिर लग्जरी ब्रांड वगैरह। तो गाइस, फूड कोर्ट जैसा कि लिखा हुआ है, सिर्फ एरो बना है। मैं जाके फूड कोर्ट की तरफ पहले देखते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा दुबई मॉल डिस्कवर करते हैं। आज वीकेंड है, संडे है, तो बहुत सारे लोग जैसा कि आप देख सकते हैं शॉपिंग के लिए, आउटिंग के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। जैसा कि मॉल के अंदर एक्वेरियम है, एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है, नीचे आप लोगों की देख सकते हैं कितना क्राउड है, लोग देखने आते हैं, लेकिन हम देखने नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा हुआ है। हम देखेंगे जाके खाने के लिए कुछ, क्योंकि हमें भूख लगी है। फाइनली हम लोग फूड कोर्ट में इंटर होने वाले हैं। फूड कोर्ट में जाके देखेंगे, यहाँ KFC है, पिज़्ज़ा हट है, कुछ इस तरह की चीज़ ढूंढ के खाएंगे। तो गाइस, वो सामने KFC है,
मैं केएफसी की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन केएफसी में बहुत क्राउड पहले से है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आई थिंक। अगर ज़्यादा क्राउड हुआ तो माइंड चेंज करके कुछ और खा लेंगे। तो ये ऑर्डर मैंने कर दिया है, ये मेरा ऑर्डर नंबर है 71, जिसमें कि हम थोड़ा वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। सो गाइस, लंच ऑर्डर कर दिया था जैसा कि आपको बोला है ना, और लंच मेरा आ चुका है। हमारे पास लंच करने गाइस, KFC ऑर्डर किया था। ये KFC अब मैं खाऊंगा थोड़ी देर तक यहाँ से फिर। तो गाइस, लंच मेरा ख़त्म हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं थोड़ा सा आपको दुबई मॉल घुमाऊँगा। तो अभी हम थोड़े से लग्जरी ब्रांड्स देखते हैं, उन पर वैसे कोई ऑफर तो होती नहीं, लेकिन हम वैसे कुछ ब्रांड्स वगैरह देखेंगे और आपको दिखाएँगे। जैसा कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं सारे ग्राउंड फ्लोर पे। मेरा अंदाजा गलत है, सारे लग्जरी ब्रांड्स ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, उसी फ्लोर पे थे जहाँ हमने लंच किया। फूड कोर्ट है उसकी दूसरी साइड पे, सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, गुची डियोर वगैरह। तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको रहा पेंडी, इसके साथ ड्यूटी का बाना। ये एक्चुअली इनका मेन आउटलेट नहीं है, आई थिंक कमेट आउटलेट दूसरी साइड पे। आगे आप देख सकते हैं साचे भी है, ये आ गया डीजल। डीजल के साथ है हमारा गुची, गुची का स्टोर। कुछ स्टोर्स दूसरी साइड पे भी हैं, वो भी बड़े स्टोर हैं। ये आ गया डियोर, एक ही साइड पे वो बर्बरी। ये कुछ इन्होंने रमज़ान का लगाया हुआ था, रमज़ान में थोड़ा डेकोरेशन करते हैं ये हर मॉल में। और ये कुछ नीचे है, इधर भी जाएंगे, इधर भी कुछ फैंसी लग्जरी ब्रांड है। और सामने टॉमी फिगर, थोड़ा सा और दुबई मॉल दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे जहाँ पे बुर्ज खलीफा का व्यू है, जहाँ पे फाउंटेन है। तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि अगर फाउंटेन शो होता है तो थोड़ा सा आपको वो भी दिखाएंगे फाउंटेन को। ये बाहर जाने का रास्ता है भाई फाउंटेन का, ऊपर एप्पल स्टोर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत क्राउड होता है जब एप्पल का फोन लॉन्च होता है। बैठ जाके देखते हैं, अगर वेदर अच्छा हुआ तो थोड़ा सी व्लॉगिंग करेंगे, नहीं तो वापस अंदर आ जाएंगे। आई थिंक वेदर अच्छा भी है और बुरा भी है, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं साइड। लिखा की साइड है, जैसा कि मैं बाहर आ चुका हूँ और सन ग्लासेस लगा चुका हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा है, सोचा सन ग्लासेस लगा ही लें, अब साथ लेके आए हैं। अब मैं आपको यहाँ से बुर्ज खलीफा का व्यू दिखा दूँ जो कि बहुत खूबसूरत और क्लियर नज़र आएगा।
ये आगे एक सूक करके इनको बोलते हैं, कुछ ट्रेडिशनल मार्केट है इनकी आगे, टाइम आउट मार्केट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन थोड़ा सा ये आपको पानी का व्यू दिखाऊं, यहाँ पे फाउंटेन डांस होता है, आई थिंक अभी तो नहीं हो रहा, मे बी थोड़े टाइम में हो। मैं दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बुर्ज खलीफा का व्यू ज़्यादा अच्छा आएगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं आपको उस तरह से दिखाता हूँ, रात को इधर बहुत अच्छा व्यू होता है, अगर कभी आप शाम में या रात में आए आपको अच्छा अटेंडेंस भी मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट भी हैं, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अगर आप यहाँ पे आएँ ज़रूर चेक करें। सर ये मार्केट है टाइम आउट मार्केट दुबई, उसके सामने ये बुर्ज खलीफा का व्यू। बुर्ज खलीफा को पूरा दिखाने के लिए बिल्कुल उनको ऊपर करना पड़ता है। ये रही टाइम मार्केट। सो गाइस अभी थोड़ा सा और डिस्कवर करते हैं, वेदर थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है जैसा सोचा था, तो कुछ अंदर जाके देखते हैं कुछ जगह, बाहर का तो बहुत हो गया। अभी आगे इस मॉल के अंदर देखते हैं और क्या चीज़ें और डिस्कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं। फाउंटेन वाली साइड जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पाम ट्रीज हैं, काफ़ी पीसफुल एरिया है। जब भी आए यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ पे पिक्चर्स भी आपकी बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है यहाँ पे नेचुरल। जैसे कि आप देख सकते हैं दुबई माना जाता है इलेक्ट्रिक लाइफ और गाड़ियों के लिए, तो ये सामने एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है, आई थिंक ये कोई होटल है या कोई रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से आप ये देखिए हार्ट शेप है, यहाँ से आप दुबई का बुर्ज खलीफा का व्यू आप अच्छा सा देख सकते हैं। अंदर जाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं दुबई मॉल, वैसे दुबई मॉल तो बहुत बड़ा है, इट इज़ द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड शॉपिंग मॉल, पूरा तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा।
लेकिन बाहर क्योंकि गर्मी है, वेदर समर है, तो आगे अंदर थोड़ा ठंडी हवा लेते हैं और थोड़ा सा और डिस्कवर करते हैं और उसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। सी यू सून। तो इस मॉल के अंदर मैं दोबारा आ चुका हूँ, जाके थोड़ा सा और मॉल देखते हैं, कुछ और एरियाज डिस्कवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल है दुबई मॉल। मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ अगर मुझे नज़र आती हैं। यहाँ पे एक सकून ब्रदर का भी स्टोर है जो कि मेरा वन ऑफ फेवरेट ब्रांड है, पुर्तगाल ब्रांड है ये पुर्तगीज। आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, आज वीकेंड है, सब लोग आए हुए हैं। टाइम आई थिंक 2:30 या 3 o'clock हो चुका होगा। देखें आप कितना क्राउड है, ये रात तक क्राउड रहेगा। ये भी रेस्टोरेंट है और ये वाटर पार्क, ये एक्वेरियम है दुबई के। बिगेस्ट एक्वेरियम कहते हैं जी इसको। ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और मैं अब जा रहा हूँ वापस अपने रूम में, वहाँ पे जाके एडिटिंग करेंगे थोड़ी सी व्लॉग की और फिर अपलोड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।